नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकुर। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। ये वीडियो पहले आप लोग देखिए कि आज हम लोग कहां पे हैं और किस वीडियो के बारे में बात करने आए हैं। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल पे हम लोग खड़े हुए हैं। सबसे पहले ये वीडियो आप लोग देखिए। स्क्रीन पे जो ये वीडियो चल रही है, ये ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल की है, जो कल रात की बताई जा रही है। इसमें एक लड़का आपको बंदूक लहराता हुआ दिख रहा है, पिस्टल लहराता हुआ दिख रहा है और हवाई फायरिंग भी उसने करी है। उसके बावजूद फायरिंग करके वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश करी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई उन व्यक्तियों को पकड़ नहीं पाया। मैं बिल्कुल उसी जगह पे खड़ा हूँ। ये जो चौराया है, ये वही चौराया है जहाँ पे कल फायरिंग हुई। लड़ाई के बाद एक युवक आता है, पिस्टल निकालता है, पहले हवाई फायरिंग करता है, फिर उसके बाद भीड़ पे बंदूक तान कर हॉकी लहराते हुए वो चार लड़के गाड़ी में बैठ के फरार हो जाते हैं। एक दुकान यहाँ पे है, भवानी मोबाइल गैलरी। इन लोगों ने, ये उस समय चश्मदीद के रूप में यहाँ पे मौजूद थे। हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या मामला था, क्या लड़ाई हुई थी, उसके बाद जानेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई हुई। साथियों, कल की जो घटना हुई है, उसमें जो चश्मदीद के रूप में उस समय मौजूद थे, वो भवानी मोबाइल ऑटो गैलरी में हम लोग खड़े हैं, वो लोग उस समय यहीं थे। इनकी आंखों के सामने पूरा वो गोलीकांड हुआ। हम इनसे बात करेंगे कल का क्या घटनाक्रम था, क्या हुआ, किस बात को लेके लड़ाई हुई और उसके बाद कैसा माहौल था। भाई जी, आपको बताएं, हम जब हमें पता चला कि लड़ाई हो रखी है, फिर हम बाहर गए। बाहर गए तो हॉकी वगैरह चल रहे थे, हॉकी चल रही थी और लोकल वाले पे टूट रखे थे। लोकल वाले एक दो लोग थे, उसे बाहर वाले मार रहे थे। शायद एपी की गाड़ी थी, बाहर का नंबर था और हॉकी से वो वार कर रहे थे, बार बार वार कर रहे थे। फिर हम लोग भी गए, पर और सपोर्ट में नहीं जाने कारण उन लोगों ने पूरे आतंकवादियों के जैसे आतंकवादियों के रोल में उन्होंने वार किया। हॉकी भाजते हुए यहाँ से वहाँ मारपीट करते हुए पूरी रोड में एकदम जाम भी लगा दी। फिर जब तक जाते हम लोग पकड़ने गए, पकड़ने जाने से पहले ही जब उन्होंने देखा कि और लोग भी आ रहे हैं तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मतलब पिस्टल निकाल के हवाई फायरिंग करी और फरार हो गए। उन्होंने हवाई फायरिंग की, तब रोड में सब तितर बितर हो गए, साइड में हो गए, तब उन्होंने सीधा बैठा और निकल लिया। उसके बाद लोगों ने पकड़ने की भी कोशिश नहीं करी, वो स्पीड में आगे निकल लिया। और जब तक पीछे जाते तब तक पता नहीं लापता हो गया। किस तरफ से आ रहे थे? मतलब वो लोग हरिद्वार की तरफ से आए और आगे श्रीनगर की तरफ, श्रीनगर की तरफ गए। आप भी उस समय यहीं पे मौजूद थे जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ? मौजूद नहीं था, मैं जाम में फंसा हुआ था। अगर मैं मौजूद होता तो आज वो थाने में नहीं, आज वो अस्पताल में होते। अस्पताल में होते अगर आज मैं वहाँ। इसमें कहीं ना कहीं आप लोग समझ रहे हैं कि स्थानीय लोगों ने कमी दिखाई, क्योंकि कोई बाहर से आकर बंदूक लहराकर चला गया। बिल्कुल कमी दिखाई है, उनके सामने वो बंदूक चमका रहा है और ये चुप चाप के वीडियो बना रहे हैं और ये देख रहे हैं। इनकी ये बहुत बड़ी कमी है और ये कमी इनको आगे चल के नुकसानदेह साबित हो सकती है। इसलिए अपने आप को थोड़ा संभाले और थोड़ा निडर हो। ये गोली चलाने से, फायरिंग करने से कोई डरना नहीं चाहिए, किसी से उसके मुकाबला करना चाहिए। और अगर मैं होता तो मैं आज उनको अस्पताल पहुंचा चुका होता। थाने तो वो बाद में जाते, रात में पहले तो अस्पताल जाते। हमें जो स्थानीय लोग हैं उनको करना चाहिए था, उनके सामने वो हॉकी लहरा के जा रहे हैं और वो चुपचाप करके वीडियो बना रहे हैं। अगर उनमें से किसी ने भी हिम्मत करके एक लड़के को पकड़ लिया होता ना, सारे के सारे वापस आ जाते। लेकिन मैं उस जाम में पीछे फंसा रहा, अगर मैं होता तो आज कुछ नजारा कुछ और होता। सोचने का विषय है कि कभी ऋषिकेश में शराब को लेके हंगामा होता है, कभी ऋषिकेश में जो है मार पिटाई के प्रकरण होते हैं और कभी ऋषिकेश में कोई आता है बाहर से और हवाई फायरिंग करके चला जाता है। तो ये सोचने का विषय है, ये विचार करने की बात है कि आखिर क्यों ऋषिकेश में इस तरीके का माहौल पैदा हो रहा है। अपनी राय इस बारे में जरूर दें, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क।